हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वाटर एंड सोर्सेस ऑफ द वाटर। आज हम बात करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर, मींस जो वाटर है उसे कैसे प्यूरिफाई किया जाता है और प्यूरिफाई करने के बाद में उसे यूज में लिया जाता है। आज हम मेनली जो बात करने जा रहे हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में, वो हम बात करेंगे वाटर प्यूरिफिकेशन ऑन द लार्ज स्केल। देर आर टू टाइप ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, ऑन लार्ज स्केल एंड ऑन स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल का हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज स्केल के बारे में। तो जो वाटर प्यूरिफिकेशन होता है लार्ज स्केल पे, वो डिफरेंट मेथड के थ्रू किया जाता है। इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो होता है स्टोरेज, सेकेंड वन है फिल्ट्रेशन एंड थर्ड वन है डिसइंफेक्शन। फर्स्ट वन की हम बात करें स्टोरेज, जो वाटर होता है हम यहाँ पे इनको सबको एक एक को सेपरेटली भी पढ़ेंगे आगे। जो स्टोरेज होता है इसके भी तीन मेथड होते हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। इसके बाद में फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के अंदर दो मेथड यूज में लिए जाते हैं वाटर को फिल्टर करने के लिए। फर्स्ट वन इज स्लो सेंट, जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल फिल्टर। सेकेंड वन इज रैपिड सेंट, जिसका अदर नेम होता है मैकेनिकल फिल्टर। जो बायोलॉजिकल फिल्टर या स्लो सेंड होता है इसके अंदर भी बहुत सी स्टेप्स होती है जो हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन इज सुपरनेटेंट वाटर, सेकेंड वन इज सैंड बेड, थर्ड वन इज अंडर ड्रेनेज सिस्टम एंड लास्ट वन इज फिल्टर कंट्रोल। ये हम सब पढ़ेंगे। रैपिड सेंड, जिसका अदर नेम होता है मैकेनिकल फैक्टर, इसके अंदर आता है कोएगुलेशन, रैपिड मिक्सिंग, फ्लोक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये था रैपिड सेंड के स्टेप्स, कोएगुलेशन, रैपिड मिक्सिंग, फ्लोक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब थर्ड वन है इसका डिसइंफेक्शन। इसमें फर्स्ट वन है क्लोराइजेशन, सेकंड वन है ओजोनाइजेशन एंड थर्ड वन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये था हमारा एक फ्लो चार्ट जिसमें हमने बात की ओनली टॉपिक्स की। मेनली तीन होते हैं जिनके थ्रू लार्ज स्केल पर वाटर प्यूरिफिकेशन किया जाता है, स्टोरेज, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोरेज के बारे में। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्टोरेज मेथड के बारे में। जो स्टोरेज मेथड होता है इसके अंदर जो वाटर होता है उसे किसी रिजर्वोयर के अंदर, जो एक नेचुरल भी हो सकता है या फिर एक आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो किसी नेचुरल या आर्टिफिशियल रिजर्वोयर, रिजर्वोयर का मतलब होता है एक तरह से जलाशय, उसके अंदर वाटर को स्टोर किया जाता है। इसकी जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है वो होती है 10 to 15 days, 10 से 15 दिन तक जो वाटर होता है उसे स्टोरेज किया जाता है। अब इसके अंदर कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है फिजिकल मेथड। जब हम वाटर को 10 से 15 दिन तक एक जगह स्टोर करते हैं, इसके कारण जो भी इम्प्योरिटीज होती है, जो भी इम्प्योरिटीज वाटर के अंदर थी, वो ग्रेविटी के कारण नीचे जो बॉटम होता है वहां पे सेटल डाउन हो जाती है और अराउंड 90% इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती है। अब यदि इम्प्योरिटीज सेटल डाउन होगी तो वाटर एकदम क्लियर हो जाएगा और जो लाइट होती है वो इजीली पेनिट्रेट कर देगी किसे, वाटर को। अब यदि वाटर को लाइट पेनिट्रेट करेगी तो जो सनलाइट होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इनसे भी कुछ बैक्टीरिया, कुछ पैथोजन किल हो जाते हैं और जो वाटर होता है वो प्यूरिफाई हो जाता है। तो ये तो था इसका फर्स्ट मेथड जो था फिजिकल। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल मेथड के बारे में। बायोलॉजिकल का मतलब है कि जो बैक्टीरिया होते हैं और पैथोजन होते हैं वो अराउंड 90% पैथोजन या बैक्टीरिया डाई हो जाते हैं ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर। यदि हम वाटर को स्टोरेज करेंगे तो 5 या 6 दिन के अंदर जो मोस्टली 90% जो बैक्टीरिया जो उसके अंदर प्रेजेंट थे वो डाई हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। थर्ड वन है केमिकल। केमिकल के अंदर मतलब जब हम स्टोरेज करते हैं वाटर का तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन भी होती है जिससे वाटर प्यूरिफिकेशन होता है। जब हम वाटर को स्टोरेज करते हैं जिसके कारण जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीडेशन कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर का। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाता है थ्रू एरोबिक बैक्टीरिया।
अब यदि ये ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसके कारण जो NH3 होता है, जो अमोनिया होता है, उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, और जो नाइट्रेट होता है, फ्री नाइट्रेट होता है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, और इसके कारण जो वाटर होता है वो प्यूरिफाई हो जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, जो लार्ज स्केल पर हम बात कर रहे थे स्टोरेज। इसका मतलब है कि वाटर को 10-15 डेज तक एक नॉर्मल आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल रिजर्वर के अंदर स्टोर करते हैं, और इसके अंदर ये तीन मैकेनिज्म होती है जिनके थ्रू वाटर प्यूरिफाई होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्लो सैंड के बारे में। जो स्लो सैंड होता है, इससे जो अदर नेम होता है इसका, होता है बायोलॉजिकल फिल्टर। इसे बायोलॉजिकल फिल्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक बायोलॉजिकल लेयर बनती है जो हम आगे पढ़ेंगे, और वाइटल लेयर फॉर्मेशन होता है। एंड सेकंड जो रीजन होता है वो ये होता है, इसके अंदर कोई भी मशीनरी नीडेड नहीं होती, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। जो फर्स्ट स्टेप होती है स्लो सैंड की, वो होती है सुपर रिटेंड वाटर, मींस जो वाटर या रिजर्वॉयर जो सबसे ऊपर होता है, जो जस्ट अबव द सैंड बेड, जो हमारा सैंड बेड है, इससे जो अबव जो लेयर होती है वो होती है सुपरनेटेड वाटर की। जो ऊपरी, जो मतलब बोल सकते हैं अपर जो होती है, ये हमारा फिल्टर बॉक्स है, इसके अंदर ये जो सैंड बेड है, इससे अबव जो होता है ये होता है वाटर, और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1-1.5 मीटर। ये 1-1.5 मीटर होती है। तो ये था हमारा सुपरनेटेड वाटर। सेकेंड वन इज सैंड बेड। जो सैंड बेड होता है मतलब जहां पे हम ग्रेवल्स और जो सैंड ग्रेन्स होते हैं वो रखते हैं, तो ये हमारा सैंड बेड है। इसके जो डेप्थ होती है वो 1 मीटर होती है, मींस इसकी जो डेप्थ है वो 1 मीटर है। इसके अंदर जो सैंड ग्रेन्स होते हैं 0.02-0.03 mm के लिए जाते हैं। जो सैंड ग्रेन्स होते हैं ये 0.02-0.03 mm यूज में लिए जाते हैं। इसके बाद में इसके नीचे एक ग्रेवल्स की लेयर बनाई जाती है जो 30-40 सेंटीमीटर थिक होती है। ग्रेवल्स यूज में लिए जाते हैं और जो सपोर्ट करती है इस सैंड ग्रेन्स को, और इस सैंड बेड के थ्रू जो वाटर होता है वो फिल्टर होता है, और इसकी जो फिल्ट्रेशन रेट होती है वो होती है 0.12-0.4 mm/m³/r/l² ऑफ द सैंड बेड। ये इसकी फिल्ट्रेशन रेट होती है, इस रेट से जो वाटर होता है वो फिल्टर होता है सैंड बेड। अब सैंड बेड के अंदर हम जो बात करते हैं वाइटल लेयर की, जो वाइटल लेयर होती है इसका जो अदर नेम होता है, होता है बायोलॉजिकल लेयर। ये जो लेयर होती है जस्ट अबव द सैंड बेड होती है, यहाँ पे ये लेयर होती है, ये सैंड बेड है, इसके जस्ट अबव ये लेयर होती है जिसे बोलते हैं वाइटल लेयर या बायोलॉजिकल लेयर। ये जो लेयर होती है वो स्लिमी होती है और ग्रीसी होती है, डेट कवर द सरफेस ऑफ द सैंड बेड, और ये जो लेयर होती है वो होती है 2-3 सेंटीमीटर। ये जो लेयर है सैंड बेड के ऊपर होती है, और इसकी जो लेंथ होती है, जो इसका सरफेस एरिया है, सॉरी जो इसका डेप्थ है, ये होती है 2-3 सेंटीमीटर। अब ये जो लेयर होती है, ये कोई भी बैक्टीरिया है या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, इसे जो सैंड बेड है इसके नीचे नहीं आने देती, इसे यहीं पे रोक लेती है, इसलिए इस जो प्रोसेस है इसे बायोलॉजिकल फिल्टर भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड वन, सैंड बेड। अब बात करते हैं अंडर ड्रेनेज सिस्टम। जो ये फिल्ट्रेशन चल रहा है, यहाँ पे पाइप्स होती है, ये पाइप्स होती है, और इनके अंदर पोर्स होते हैं, तो पोर एंड पाइप्स एट द बॉटम, जो बॉटम होता है यहाँ पे पाइप्स और पोर्स होते हैं जिनके थ्रू जो वाटर यहाँ से फिल्टर हो रहा है सैंड बेड से वो फ्लो करता है। इन पाइप्स के अंदर जो सैंड बेड से हमने जो वाटर फिल्टर किया है वो इसके अंदर फ्लो होता है, और ये सपोर्ट देता है टू द फिल्टर स्ट्रक्चर, और जो पूरी फिल्टर स्ट्रक्चर है इसे ये सपोर्ट देता है। तो ये हो गया अंडर ड्रेनेज सिस्टम, जिसके अंदर परफोरेटेड पाइप्स होते हैं और पोर्स होते हैं, इनके थ्रू जो वाटर है इसके पाइप के अंदर जाता है, और जो फिल्टर वाटर है वो इसके अंदर फ्लो करता है, और जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है। लास्ट वन इज फिल्टर कंट्रोल, मींस ये जो वाटर हमने फिल्टर किया है इसकी जो नीडेड रेट है, जो हमें चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे कुछ वॉल्व्स भी लगे होते हैं जो इसकी रेट को
कंट्रोल करते हैं, जो फिल्ट्रेशन की रेट है उसे कंट्रोल करते हैं, जो हमारे डिजायरेबल है वो रेट हमें चाहिए होती है उसे कंट्रोल करते हैं। तो ये हो गया फोर्थ वन इज फिल्टर कंट्रोल। और ये पूरा जो बॉक्स होता है जिसके अंदर एक पूरी प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं फिल्टर बॉक्स। तो ये था स्लो चेन, मतलब एक स्लो प्रोसेस होती है, और बायोलॉजिकल फिल्टर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, इसमें वाइटल लेयर का फॉर्मेशन होता है, ये एक वाइटल लेयर इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए इसे बायोलॉजिकल फिल्टर भी बोलते हैं। तो ये था हमारा वॉटर प्यूरिफिकेशन, इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन है इसका जो फर्स्ट था स्लो चेन या बायोलॉजिकल फिल्टर। फ्रेंड्स अब बात करते हैं रैपिड चेन फिल्ट्रेशन की, इसका जो अदर नेम होता है वो होता है मैकेनिकल फिल्ट्रेशन। इसके अंदर जो स्टेप्स होती है वो मेनली फाइव स्टेप होती है, फर्स्ट वन इज कोएगुलेशन, सेकंड वन इज रैपिड मिक्सिंग, थर्ड वन इज फ्लोक्यूलेशन, फोर्थ वन इज सेडिमेंटेशन एंड लास्ट वन इज फिल्ट्रेशन। ये सभी स्टेप फॉलो करते हुए वॉटर को फिल्टर किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस इन ए फ्लो चार्ट। इसके अंदर जो सबसे पहले कोगुलेशन की प्रोसेस होती है, इसके अंदर जो एलम होता है, एलम एक सब्सटेंस होता है जिसे ऐड किया जाता है वाटर के अंदर, इसकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है 5 to 40 mg/L, इसके अकॉर्डिंग इसे यूज में लिया जाता है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस होगी कोगुलेशन, एक कोगुलेशन की तरह सब्सटेंस होता है एलम जो ऐड किया जाता है वाटर के अंदर, और जो होता है 5 to 40 mg/ml। अब जो सेकंड होता है रैपिड मिक्सिंग, जब एलम वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं हम, इसके बाद में इस वाटर को भेजा जाता है इन द मिक्सिंग चेंबर। मिक्सिंग चेंबर में भेजने का जो पर्पज होता है वो ये होता है कि जो एलम हमने ऐड किया है वाटर के अंदर वो इक्वली वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सके। नाउ फ्लोक्यूलेशन, फ्लोक्यूलेशन चेंबर के अंदर जब मिक्सिंग हो जाती है इसके बाद में वाटर को सेंड कर दिया जाता है। और ये जो नॉर्मल इसके अंदर जो फ्लोक्यूलेशन चैम्बर के अंदर वाटर भेजते हैं इसकी जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है 30 मिनट तक होती है। फ्लोक्यूलेशन चैम्बर के अंदर जो वाटर होता है उसे स्टीरिंग की जाती है और 2 to 4 RPM की जो मोटर होती है उस पर इस वाटर को रोटेट किया जाता है। जबकि 30 मिनट तक रोटेट होता है तो फ्लोक्यूलेंट्स बन जाते हैं, और यदि फ्लोक्यूलेंट्स चैम्बर के अंदर ये प्रोसेस चलती है तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होती है वो फॉर्म हो जाती है, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होती है वो फ्लोक्यूलेशन की प्रोसेस के अंदर फॉर्म हो जाती है। तो हमने तीन बात की, कोएगुलेशन, रैपिड मिक्सिंग और फ्लोक्यूलेशन। अब फ्लोक्यूलेशन होने के बाद में जो वॉटर होता है इसे सेडिमेंटेशन चैम्बर के अंदर रखा जाता है। सेडिमेंटेशन चैम्बर के अंदर अराउंड 2 to 6 hours तक हम वॉटर को रखते हैं। इसके कारण जब 2 to 6 hours तक वॉटर को रखा जाएगा तो जो भी इम्प्योरिटीज होगी वो नीचे जो बॉटम होता है वहां पे बैठ जाएगी, और जो ग्रेविटी का फोर्स होता है इसके कारण ये जो सेटल डाउन हो जाती है बॉटम के अंदर। अब सेडिमेंटेशन चैम्बर के बाद में जो वॉटर होता है इसे फिल्ट्रेशन के लिए भेजते हैं। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन के अंदर, फिल्ट्रेशन करने के बाद में जब फिल्टर हो जाता है वॉटर, इसके बाद में इसका डिसइंफेक्शन होता है, डिसइंफेक्शन किया जाता है वॉटर का, और जो मेनली इसके अंदर जो यूज में करते हैं वो होता है क्लोरीनेशन। जो क्लोरीनेशन होता है उस प्रोसेस के थ्रू वॉटर को डिसइंफेक्ट किया जाता है। जब डिसइंफेक्ट हो जाता है वॉटर इसके बाद में इसे क्लियर वॉटर स्टोरेज, जो वॉटर है उसे स्टोरेज किया जाता है। तो ये था रैपिड चेन या मैकेनिकल फिल्ट्रेशन। इसके अंदर मेनली फाइव प्रोसेस होती है, सबसे पहले वॉटर होता है उसके अंदर एलम ऐड करते हैं, एलम को मिक्स करते हैं मिक्सिंग चैम्बर के अंदर, फिर फ्लोक्यूलेशन चैम्बर के अंदर 30 मिनट तक वॉटर को रोटेट किया जाता है जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में इस वॉटर को सेडिमेंटेशन चैम्बर में 2 to 6 hours तक रखा जाता है जिसके कारण जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो सेटल डाउन हो जाती है बॉटम के अंदर। इसके बाद में जो फिल्टर होता है उसके थ्रू इस वॉटर को फिल्ट्रेशन के अंदर फिल्टर किया जाता है, और जो फिल्टर वॉटर है इसको डिसइंफेक्ट किया जाता है थ्रू क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन होता है इसके अंदर क्लोरीन के थ्रू इसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, और इसके बाद में जो वॉटर होता है क्लियर वॉटर उसे स्टोर किया जाता है। तो ये था रैपिड चेन या मैकेनिकल फिल्टर। फ्रेंड्स अब बात करते हैं जो थर्ड मेथड है डिसइंफेक्शन। जो डिसइंफेक्शन होता है वो फाइनल स्टेज होती है हमारे वॉटर प्यूरिफिकेशन की।
जो वाटर प्यूरिफिकेशन है इसके अंदर हमने पहले वाटर को स्टोरेज किया, फिर फिल्टर किया, सबसे बाद में जो होता है इसका ट्रीटमेंट वो होता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वन और कॉमनली जो यूज है वो होता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन के अंदर जो क्लोरीन होता है वो इजीली अवेलेबल होता है और चीप गैस होती है जो बैक्टीरिया और एल्गी होती है रिजर्वोयर के अंदर उनको डिस्ट्रॉय कर देती और उन्हें एलिमिनेट कर देती। तो जो क्लोरीन होती है वो हम यूज में करते हैं। सेकंड वन है ओजोनाइजेशन। जो ओजोन होती है, जो ओजोन गैस होती है अनस्टेबल गैस होती है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है, इसको O3 के थ्रू इंडिकेट करते हैं। लास्ट वन इज अल्ट्रावायलेट रेज। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और उसकी ग्रोथ को रोक देती है। तो ये थी कुछ मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, क्लोरीनेशन, ओजोनाइजेशन और अल्ट्रावायलेट रेज। इसी के साथ जो हमारा वाटर प्यूरिफिकेशन है लार्जेस्ट स्केल पे वो कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।